तो अज्यूमिंग अगर ये टेन परसेंट पैट मार्जिन इन्होंने करा है तो ऑलमोस्ट हंड्रेड करोड़ का प्रॉफिट होएगा इन पे राइट एंड हंड्रेड करोड़ के प्रॉफिट पे ऑलमोस्ट अगर आप टैक्स रेट लगाएंगे तो मोटा मोटामाटम आई थिंक थर्टी फोर्टी ऑट करोड का टैक्स इसके अंदर अन अकाउंटेड फॉर होगा अगेन इट डिपेंड्स अगर ये ट्वेंटी ट्वेल्व ट्वेंटी थर्टीन का है तो उस पर रेट्रोस्पेक्टिवली लग के हो सकते हैं तीन चार सौ करोड़ के आसपास अमाउंट बन गया हो फिर अन अकाउंटेड कैश पेमेंट्स है चार सौ करोड़ की एंड ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर फैसिलिटेटेड फैसिलिटेटेड सर्टेन पार्टीज टू इन्फ्लेट देयर परचेज अकाउंट्स बट मेन तो जहां पे टैक्स uh, का इशू बन सकता है दैट इज ऑन थाउजेंड करोड़ ऑफ सेल्स जिसपे मोटा माटा मगर हम टेन परसेंट पैट मार्जिन लगाए तो हंड्रेड करोड का पैट होगा एंड विच अगर हम ईबिटा देखते हैं तो वन फोर्टी वन फिफ्टी करोड़ का वर्स्ट वर्स मतलब मैक्सिमम केस में लगा सकते हैं

उनपे हमने उनके फिफ्टी प्रेमाइसिस सर्च करा तो वहां पे हमें ये ये सारी चीजें मिली कि थाउजेंड करोड़ का अनअकाउंटेड कैश सेल्स है राइट सो अगेन दर इज नो सो देर कुड बी नो स्मोक विदाउट फायर तो एक्चुअली में कहीं ना कहीं फायर तो है क्योंकि तो इनकम टैक्स ने वे वेबसाइट पर ही डाल दिया राइट एंड पॉली कैब ने अभी भी रिफ्यूट करा अभी एक अभी से दस मिनट पहले भी उनकी एक नोटिफिकेशन आई है जहां पे वो कह रहे हैं कि दे विल कॉपरेट विद अथॉरिटीज एंड जो भी होगा फ्यूचर में देखा जाएगा बट ऐसे केसेस में क्या होता है सबसे पहली चीज क्या होता है ट्रांजेक्शनल पी इंपेयर होती है जो लोग जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं वो पूरे दिन बैठ के जो प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखते हैं तो आपको दिखेगा कि अगर आप पूरा लाइफ टाइम चार्ट देखेंगे पॉलीकैप का तो आफ्टर लिस्टिंग इससे इतनी वॉल्यूम आई आज आज राइट जो स्टॉक के आसपास डाउन था तो कई लोगों ने मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछा कि यार ट्वेंटी परसेंट लोअर सर्किट पे ये लॉक क्यों नहीं हुआ सिंपल रीजन एफ एन ओ स्टॉक है तो एफ एन ओ स्टॉक में कोई सर्किट नहीं होते राइट तो दैट इज वन ऑफ द रीजन बट आज लाइफ टाइम हाई वॉल्यूम थी

And as a retail investor, हमें कैसे चाहिए पे क्या हो सकता है वो भी हम डिस्कशन करेंगे तो यहाँ पे पास्ट uh, में क्या स्टडीज हुई है तो अभी आज से uh, 2022 में किसी को याद होगा पे भी ऐसा एक वन थाउजेंड करोड़ का बोगस एक्सपेंस का क्लेम आया था आफ्टर आई टी फिर ट्वेंटी फाइव करोड़ के हीरो मोटोकॉप के एसेट्स भी सीज करे थे दैट इज इन ट्वेंटी थ्री ऑगस्ट आई थिंक स्टॉक प्राइस कुछ दो हजार रुपए के आसपास था फिर डीवीज लैबोरेटरीज पे नाइनटी का फाइन uh, देना पड़ा था डीवीज लैब्स का जो CFO है, शोभा in, uh, right? uh, का भी रिसर्सेंट बिकॉज इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने शोभा के ऊपर बेसिकली अगेन दे सर्च देस एंड दे रेडिडिस राइट देन ये वरुण बेवरेजेस के केस में भी हुआ था ट्वेंटी ट्वेंटी वन में सिक्सटी थ्री लाख रुपीज का इनको फाइन देके सेटल करना पड़ा था हाल ही में श्री सीमेंट के साथ भी हुआ है, सिमिलरली मनापुरम फाइनेंस था जब उनका वन फोर्टी करोड़ का ऑलमोस्ट एसेट फ्रीज कर दिया था आफ्टर दी रेट एंड आई थिंक स्टॉक फेल टू हंड्रेड एंड टेन रुपीज आज शायद से वन सेवेंटी फोर के

वट कुड बी दें इम्पैक्ट ऑन द कंपनी तो पहला क्या इम्पैक्ट हो सकता है बड़ा स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑफ लॉ इंडिया के अंदर कि कभी भी कोई ऐसा टैक्स रिलेटेड केस आता है तो कंपनीज के पास भी ऑप्शन होता है टू गो टू द कोर्ट एंड टैक्स भी कोर्ट लेके जाएंगी तो यहाँ पे एक चीज अराइज करती है बाय ऑफ कंटिजेंट लाइबिलिटीजेंट लाइबिलिटी पोटेंशियल लाइबिलिटी इन द फ्यूचर सच एज पेंडिंग लॉ सूट और ऑनरिंग प्रोडक्ट वारंटीज तो ऑफ द बैलेंसटीट आइटम होती है तो बोली कि केस में भी देर आर हाई डिग्री ऑफ चांस की अब एक कंटेंजेंट लाइबिलिटी की लाइन आइटम आपको

तो एक्चुअली uh, में इतनी ग्रोथ के बावजूद भी अगर इतना मार्केट कैप बढ़ने के बाद भी मैनेजमेंट्स जो हमारी इंडिया की है उनको दे मस्ट अंडरस्टैंड इज डेट कि मार्केट कैप बढ़ता धीरे से है बट गिरता तेजी से है ये चीज आप सबको याद रखनी है मार्केट कैप बढ़ता धीरे से है बट गिरता तेजी से है क्योंकि ट्रांजैक्शनल पी एमपेयर हो जाती है और ट्रांजैक्शनल पी को रिपेयर होने में थोड़ा टाइम लग जाता है मतलब हो सकता है कि कभी रिपेयर हो ना हो कभी इतना मल्टीपल वापस मिले ना मिले टाइम्स का तो पहली चीज रिटेल इन्वेस्टर को भी वैल्यूएशन का ध्यान रखना चाहिए कि भैया अगर भैयाटी की पी जा चुकी है एक केबल वायर स्टॉक की तो अगेन पोस्ट फिफ्टी पी देर इज ऑलवेज अ रिस्क दैट अराइजेज इन द कंपनीज बट ये लाइबिलिटी पहली चीज आएगी सेकेंड थिंग वॉट कैन हैपन इज दैट सच थिंग्स टेक टाइम टू सेटल ट्रांजेक्शन पी इम्पेयर होती है

So, if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.